जी वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम BEG GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का एक गेस्ट पेपर है, उसको हम यहाँ से एक गेस्ट पेपर करने की कोशिश करेंगे कि एक अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम उसका कैसा आंसर लिख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि कौन कौन से जो ऐसे बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में होते हैं। इट इज सेड दैट कम्युनिकेशन कैन नेवर बी 100% कम्प्लीट। कोई भी कम्युनिकेशन 100% कम्प्लीट नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं अगर ए ने कुछ कहा है तो बी तक 100% एक्यूरेटली समझ में आने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। मेनी फैक्टर आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में मेनी क्या होते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिकेशन आर समथिंग कैन बी ऑलवेज बी गो रॉन्ग विद वन और मोर दीज। तो कम्युनिकेशन माइट बी, इन्होंने कहा लिखा है कि मे बी हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, ठीक है। कैन ऑलवेज गो रॉन्ग, कैन मतलब कि हो सकता है गलत हो। फ्रॉम ऑन एक्सपीरियंस मेक अ लिस्ट ऑफ सम फैक्टर्स। अपने यहाँ अगर हम लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बनाए तो उसमें क्या क्या इफेक्ट बने, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन को बीच में अंडरस्टैंड करना, वोकैबुलरी, कंसेप्ट, बैकग्राउंड, प्रोनाउंसिएशन और फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये सारे क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे इनको। क्या बोलेंगे इसको, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में ये सारे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है आपके लिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन करने के बाद, लिंग्विस्टिक बैरियर। तो अब हम धीरे धीरे, लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब कोड लैंग्वेज को रिलेटेड बैरियर है कि एक पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज, उसका जो है मेन स्पीकिंग लैंग्वेज दूसरा है, दूसरा पर्सन का दूसरा हो, तो ऑब्वियसली पहला बैरियर लैंग्विस्टिक बैरियर हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। एक पर्सन कोई ए है और सेकंड पर्सन बी है, तो इन दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है। दीज आर द वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशूज हो सकते हैं इसके। ये अलग ही मेंटेलिटी का पर्सन है, ये अलग ही मेंटेलिटी का पर्सन है, तो ए एंड बी के बीच में एक बैरियर होगा। इट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो इसके लिए ये कि दोनों सेम स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दूं, अगर ए और बी दो फ्रेंड हैं और दोनों एक ही मूवी को देखने जाते हैं, लेकिन दोनों बहुत हैप्पी हैं, एंजॉय हैं, और दोनों बहुत हैप्पी मूड में किसी एक मूवी को देखने जा रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो पठान अभी मूवी आ रही है, चाहे वो कोई भी अभी रिसेंट में कौन सी मूवी आ रही है, आप कह सकते हो कि भेड़िया है ना, दृश्यम, ये सब मूवी अभी आई है। तो इसका मतलब भेड़िया दृश्यम को अगर कोई पर्सन देखने जाएगा तो क्या होगा, वो अगर ए एंड बी सेम ही मूड में गए हैं तो इस उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर एक ए बी सी है, तीनों में से किसी का एक का भी मूड अलग है, तो ये दो लोग तो अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो सी है वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा मूवी को, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं समझ पाएगा, मतलब उसका मेंटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल इशूज है उसके साथ। दैट मे बी वियर, हो सकता है उसका रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ हो सकता है रिसेंटली उसका कुछ और एग्जाम फेलियर हुआ हो सकता है कुछ और भी रीजन हो जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो और उसको एंजॉय ना करे मूवी को। तो ये एक बैरियर है, यानी कि मूवी कुछ अपने मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं 100, तो 100 लोगों को एक जैसे बात समझ में नहीं आएगी, अलग अलग समझ में आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसी क्लास में भी होता है, क्लास में एक टीचर पढ़ाते हैं, उसके सामने 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, किसी को थोड़ा कम किसी को थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। सम पीपल हैव स्टेज फियर, किसी को स्टेज फियर होता है, स्पीच होता है, डिसऑर्डर होता है, फोबिया, फोबिया डर होता है ना, डिसऑर्डर फोबिया, डिप्रेशन में है कोई, ऑल ऑफ दीज द कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। लिखा है कि डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स आई विल मोस्ट सर्टेनली लिमिट ऑफ द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कहीं कई बार हम ईज हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता था, ठीक है। इमोशनल बैरियर होते हैं, इमोशनल आईक्यू ऑफ द पर्सन डिटरमाइन द ईज ऑफ कंफर्ट, मतलब इजीली उसको कंफर्टली समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है समझने में। अ पर्सन हु इज इमोशनली नेचुरल विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जो बहुत नेचुरली, देखा होगा कोई डांस करता है, कोई एक्टर है, कुछ बहुत इजिली कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि इमोशनली उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं हो पाते। सेम स्टूडेंट और टीचर्स में भी होता है, या जो भी डॉक्टर के साथ भी कई बार हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बहुत ईजिली नहीं हो पाता। तो ये सारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं कि हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक बीच हमारे गैप आएगा। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब अभी फिजिकल बैरियर मतलब कोई डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी हमने मीडियम सेलेक्ट किया वो अप्रोप्रिएट मीडियम नहीं है, तो ये सारा। कल्चर बैरियर, मतलब कि अगर कोई अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे तो वहां पे जैसे हैंडशेक करना, सैल्यूट करना, या फिर गुड बाय, ये सारी चीजें जो होंगी वो, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, हमें डिफरेंट तरीके की चीजें होंगी जो हमें बताएंगे कि कैसे हमें कम्युनिकेट करना है। तो आपने यहाँ तक एक गेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, इसको आपने आई होप अच्छे से समझा होगा। आगे हम इसको अच्छे से बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कल्चर बैरियर, हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, मतलब कि
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, थोड़ा इसको देख लेना। मैं कुछ चीज टॉपिक ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है इसलिए मुझे कंप्लीट करना है। और दिखा होगा आपने, आज मैंने 3-4 वीडियो बनाई है और रात भर बैठ के, आपको अभी 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, तो भी मैं वीडियो इसको पोस्ट कर दूंगा अभी 10 मिनट में। तो आप देखिए, परसेप्शन बैरियर हो गया, यानी सामने वाला परसेप्शन मान के चल रहा है। मान लो मैं कई बार बात करता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि सबने बाहुबली या KGF सबने देखी होगी, है ना, मैं ऐसा परसेप्शन मान के चल रहा हूँ, लेकिन क्या पता अभी भी 2%, 3%, 5% लोगों ने KGF नहीं देखी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा परसेप्शन गलत था, है ना। अगर मैं रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई कुछ भी बोलूंगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने देखी है, लेकिन जरूरी नहीं है देखी हो नहीं देखी। ऐसे कोई वर्ल्ड कप का मैच है ना, पता उसने कितने बॉल पे कितने मारे, है ना, ईशान किशन, सूर्य किरण यादव, किसने अभी 6 बॉल पे 7 छक्के मारे, है ना। अभी बहुत कॉमन चीज होगी, एक आम लड़कों के लिए बहुत कॉमन चीज है, तो हर किसी को पता होगा कि किसने कितने रन मारे, है ना, वो ईशान किशन था कोई, है ना। अब लेकिन गर्ल्स के बीच में ये चीज इतनी कॉमन नहीं होगी, तो इसलिए क्या होता है, परसेप्शन बैरियर बोलते हैं इसको, ठीक है। एटीट्यूड परसेप्शन और साइकोलॉजिकल बैरियर, ये भी कुछ बैरियर। तो सारे क्या है आपके, ये व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का आंसर था, ठीक है। और बताते हैं इसमें एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड बैरियर, परसेप्शन बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, और हम बताते हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी होता है, सोशियो रिलीजन बैरियर भी होता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा बैरियर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइफ। तो व्हाट इज द हिस्ट्री लिखा होगा, है ना, द स्टोरी ऑफ, अच्छा व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो आपको क्या लगता है ह्यूमन कम्युनिकेशन का स्टोरी, जैसे कोई चिड़िया वाली कहानी होगी कबूतर के साथ, है ना, तो जैसे हम स्टोरी मैसेंजर्स होते थे, तो ये आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, 20,000 लाख ईयर्स है ये, तो देखो उन्होंने अपनी कहानी बना रखी है। आपको जो हिस्ट्री समझ में आती है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी कि दो इंसान ए और बी कब कैसे बात करते होंगे, तो पहले कैसे बात करते थे, लिख करके बातें करते थे, जमीन के ऊपर ड्रॉइंग करके बातें करते थे, है ना, पत्थरों के ऊपर अलग अलग तरह के मैसेज ड्रॉ करते थे, है ना, ऐसे। फिर ये आप इसमें पूरा लिखोगे तो आपको पूरा इसमें समझ जाएगा। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जब कोई पर्सन बात करता है तो वर्ड्स के अंदर यूज करना, और नॉन वर्ड्स ही नहीं, जब हम बात करते करते हम, आपने नोटिस किया होगा कोई भी पर्सन हाथ का जरूर इस्तेमाल करता है, कई बार वो गर्दन मुंडी हिला के बोलते हैं यस नो, है ना, आंखों से कई बार ऐसे बात कर देते हैं कि यस नो करके, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो वर्बल एंड नॉन कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के बीच में, अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी आपने, तो मैंने उसमें आपको डिफरेंस, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने पहले ही बता रखा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीजें मैंने डिफरेंस बता रखे प्रीवियस वीडियो में, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइन कंसीडर टू रोल। तो ये देखिए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप कुछ भी बोल करके, कुछ भी खाने पीने की कोई चीज, सामान को, वस्तुओं का नाम ले करके, नेम बोल करके, या फिर कोई ऐसा साइन सिंबल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पेडिस्टेल, फुट स्टेल, क्या बोलते हैं आगे, स्कूल है, स्कूल हेड, ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। नॉन वर्बल में क्या होंगे, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, कोई अंपायर है ना, अंपायर ऐसे हाथ दिखाता है कि आउट है, क्या नॉट आउट है, नो बॉल है, तो ये अंपायर, ट्रैफिक पुलिस वाला, ये सब क्या कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। कोई शब्द नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि भाई ये है। कई बार ऑटो वाला कहते हैं आओ बैठो बैठो, बस कंडक्टर कुछ बोल रहा है तो हाथ से कुछ कह रहा है, रोकने के लिए टपटपा रहा है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखा होगा आपने कंडक्टर अपने ड्राइवर को कैसे वो करता है, मैसेज देता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प पीपल टू रीइन्फोर्स और मॉडिफाई व्हाट इज सेड इन वर्ड्स। तो जो भी वर्ड्स में कहा गया है उसको वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इमोशनल स्टेज के बारे में बताता है, इमोशनल स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को रेगुलेट करते हैं, और लर्निंग द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को भी लर्न किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जरूर इसको रीड करें। आई होप आपने ये चीजें टॉपिक कवर कर लिया होगा, रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और कितना टॉपिक अभी तक मैंने कहा था, क्या करवाया ये आपको बता दिया, व्हाट इज हिस्ट्री ये बता दिया था, कवर कर दिया था, ये कर दिया था, ये कर दिया, ये कर दिया, और सिंबल ग्राफ, ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गए थे, ये चीज कवर हो गई थी, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहाँ पे पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है। आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन राइटिंग, कल्चर कंटेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ये। तो ये केस पेपर की तरह है, इसको आप जरूर करके जाइए, आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम अभी कम है। इंपॉर्टेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये नॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन इंक्वायरी, देखो अभी लेटर राइटिंग हमेशा मिस हो जा रहा है, इसके लिए मैं एक दूसरा जो देख लीजिएगा, BEGLA 136 में ना, अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरे उस पे चैनल पे, ग्रैब अप स्किल्स वाले चैनल पे, तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है।
उस पे मैंने लेटर राइटिंग करा रखा है, तो आप इस बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज इंटरव्यू और जॉब सर्च, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, इसको जरूर पढ़ के जाइए। व्हाट इज इंटरव्यू एंड जॉब जॉब एटिकेट्स, तो जॉब एटिकेट्स क्या होते हैं, इसको पूरा अच्छे से रीड करके जाइए, ठीक है, तो ही बेटर रहेगा। और ये चीज भी पढ़ के जाइए, और बस ब्रश अप बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस पार्ट, ये सारा इसका आंसर भी है, तो सेक, ये सारा सेक हैंड, ये सारी चीज जो है ना, तो सारा चीज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रीजन रीजन्स ऑफ रीडिंग, तो रीडिंग के बीच का ये जो आंसर है, व्हाट आर द बेनिफिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपने क्वेश्चन में, अगर मैंने दो क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो मैंने वहां भी दिखा था रीडिंग को लेकर के इंपॉर्टेंट था, व्हाई इज रीडिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट डिफरेंट आई कैन आई मेक अ पेरेंट, व्हाट डिफरेंसेस आई कैन आई मेक अ पेरेंट, ठीक है। बिल्डिंग अ वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी को बिल्ड करना और अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और है बिल्डिंग वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो सेम हो गया। तो आप इन जितने क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ तक दिखाए ना, इसको कम से कम इस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ के जाइएगा, ये एक तरीके का आपका एक एक कह सकते हैं इसको गेस्ट पेपर कह सकते हैं, लेकिन बाकी वीडियो के साथ साथ इसको भी देख के जाइए। अगर आपकी अभी भी तैयारी नहीं हो रही तो आप इन वीडियो को कवर कर लोगे, तो आप पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स लाने के अच्छे हो जाएगा। 50 मार्क्स का पेपर है आपका, डेफिनेटली 20 to 30 मार्क्स से कम मिनिमम, इससे ज्यादा ही आपके मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।